प्यारे बच्चों, आज हम आप लोगों के लिए एक मजेदार तरीका लेके आए हैं भाग लगाने के लिए। भाग का सवाल लगाने के लिए एक बहुत मजेदार तरीका जो आप लोग कभी भी नहीं भूलेंगे। एक बार आप लोग जान जाएंगे तो हमेशा के लिए आप लोग को याद हो जाएगा। और इस तरीके की खास बात यह है कि अगर हमें पहाड़े नहीं आते हैं फिर भी हम इस तरह के भाग लगा सकते हैं। अभी कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को बताया कि बिना पहाड़ा याद किए घुड़ा कैसे लगा सकते हैं, बताया था। और उसके सवाल लगाए भी आप लोगों ने उस तरह से। तो आज हम आप लोग के लिए बिना पहाड़ा याद किए भाग का सवाल बताने के लिए तरीका लेके आए हैं। मान लीजिए किसी ने हमको ये चार सवाल दे दिए या कोई भी इस तरह के सवाल दे दिए और कहा इसको हल करिए। अब हमारे पास एक कंडीशन है कि हमें पहाड़े नहीं याद है, टेबल नहीं याद है हमें, तो हम इसको कैसे लगाएंगे। तो उस समय के लिए, उस कंडीशन के लिए मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ लगाने। चलिए ये देखिए, पहला क्वेश्चन रहा 624। अब हमको भाग किससे देना है, दो से देना है। तो मान लीजिए इसको डिवाइड कर लिए, अब हमको दो से भाग देना है तो ये कितना लिखा है, छह। तो एक दो तीन चार पाँच छह, हमने छह लाइन कर दिया। ये कितना लिखा है, दो। एक दो, कितनी लाइन हो गई, दो। और ये कितना लिखा है, चार लाइन करेंगे। एक दो, चाहे इधर कर लीजिए चाहे नीचे कर लीजिए, चार लाइन कर लिए हमने। हमें भाग किससे देना था, दो से देना है। तो हम दो दो के जोड़े बना लेंगे, एक दो तीन। जितने जोड़े बनेंगे उतने को लिखेंगे दो। अब आप लोग चेक कर सकते हैं कि इतना आया है दो से भाग देने पर, चेक करिए। देखिए बिना पहाड़ा याद किए ये सवाल लग गया, और बहुत ही सिंपल तरीके से जो भूलेगा भी नहीं आप लोगों को। समझ में आ रहा बच्चों? यस मैम। चलिए एक और बताते हैं आप लोगों को। कहिए सर, 468 में हमें दो से भाग देना है, तो 468 के लिए क्या करेंगे, ऐसे हमने कर लिया दो से हमें भाग देना है, इनको अलग किया। ये कितना लिखा है, चार। एक दो तीन चार। ये कितना लिखा है, छह। एक दो तीन चार पाँच छह। ये कितना लिखा है, आठ। एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ। अब लाइन हमने कर लिया, क्योंकि हमें दो से भाग देना है तो दो दो का जोड़ा बनेगा दो। कितना जोड़ा बना है, दो। एक दो तीन, कितना जोड़ा बना, तीन। एक दो तीन चार, कितने जोड़े बन गए। अब आप चेक कर लीजिए कि दो से इतने में भाग देने पे क्या इतना आता है, भाग देने पे क्या इतना आया। सही है, ये सवाल सही है ना। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। अभी तक हम लोगों ने सीखा दो से भाग देने के लिए। बहुत लोगों के क्वेश्चन होंगे कि क्या ये ट्रिक केवल दो के लिए काम करती है, तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा नहीं है। ये ट्रिक तीन के लिए भी काम करेगी, अगली संख्या के लिए भी काम करेगी, चार के लिए भी, हर संख्या के लिए ट्रिक काम करेगी। अब चलिए हम तीन का भी देख लेते हैं। एक सवाल है 969, कितना लिखा है, ये 969। इसमें हमको भाग कितने से देना है, दो से। तीन से देना है। इसके लिए बस थोड़ी सी चीज हमको चेंज करनी पड़ेगी। पहले देख लेते हैं कितना हमको सेम करना है।
ये कितना है? नौ। एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ। ये कितना है? छः। एक दो तीन चार पाँच छ। और ये कितना है? नौ। एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ। अब हम लोग ने लाइन बिल्कुल सेम तरीके से की जैसे दो से भाग देने वाले सवाल में करते थे, लेकिन बस हमको यही थोड़ी सी चेंजिंग करनी है कि हमको तीन से भाग देना है तो हमको तीन तीन का जोड़ा बनाना पड़ेगा। कितने जोड़े बने? तीन। इधर देखिए, तीन तीन का जोड़ा बनाए तो कितने जोड़े बने? दो। यहाँ देखिए, तीन तीन का जोड़ा बनाने पे कितना जोड़ा बन गया? नौ। अब आप लोग चेक करिए क्या तीन से इतने में भाग देने पे इतना आता है? यस। चेक करिए, साथ साथ आप चेक करते चल रहे हैं क्या? आया है। इसका मतलब तीन के लिए भी ये लागू होता है, हो रहा है? यस मैम। देखिए, कोई अंक है 366, एक अंक दिया गया 366 और ये कहा गया कि आप तीन से भाग देंगे। कितने से भाग देना है? तीन से। देखिए करना क्या है, हम लोगों को लाइन खींचना है। कितना लिखा है? तीन लिखा है, तीन लाइन। ये कितना लिखा है? छः। एक दो तीन चार पाँच छः, छः लिखा है। ये कितना लिखा है? छः। एक दो तीन चार पाँच छः, लाइन हो गई। Yes, ma'am. अब हमें तीन से भाग देना है तो कितने को, कितने का जोड़ा बनाना है? तीन। तीन का, तो ये तीन हो गया, 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 सबको बना दिए? Yes, ma'am. इसमें कितने जोड़े बने हैं? एक। इसको जोड़ा कह लो बेटा या तीन को एक साथ करने को कर लो। इसमें कितने तीन है? दो। इसमें कितने तीन को एक साथ किया गया? दो। अब आप चेक करिए क्या तीन से 366 पे भाग देने पर इतना आ रहा है? आ रहा है ना? यस मैम। इसका मतलब ये ट्रिक बिल्कुल सही है। ऐसे ही और सारी चीजों को देखने के लिए लगातार क्लास में बने रहिए, और जो लोग वीडियो के माध्यम से इसको देखते हैं वो इसको लाइक करें, शेयर करें। अभी तक मैंने आप लोगों को बताया सवाल को हल करके लाइन के माध्यम से बिना पहाड़े के। अब मैं चाह रही हूँ आप लोगों के बीच से कोई आए और इस सवाल को हल करे ताकि मैं जान सकूं कि जो मैंने बताया है वो आप लोगों तक पहुंच गया है, आप लोगों को आ गया है। तो आइए आइए लगाइए। Yes, ma'am. इनके लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे।